Hey everyone, this is Ali Gupta and you're watching my channel and Jess Fashion. So, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ प्रेजेंटेशन के बारे में. अगर आप किसी के सामने, मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, आपके टीचर आपके सामने हैं, तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस पर आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हो, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो एज अ डिज़ाइनर. दोनों को ही कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में प्रेजेंटेशन ज़रूर देना पड़ता है. तो प्रेजेंटेशन देने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या क्या ऐसे टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए है और ये आप लोगों का ही नॉलेज गेन करेगा. उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप इसमें गेस कर सकते हैं और कहीं कहीं लोगों को पता भी होगा तो वो कमेंट में बता भी सकते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्रांड है जो इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड नहीं है. ओके, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, नहीं पता है तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना जो आपको अच्छा लगे. भी आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ. सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि प्रेजेंटेशन क्या है और ये हमारे किस काम आता है. हम लोगों को कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि किसी डिज़ाइनर्स के बारे में रिसर्च करके उसका प्रेजेंटेशन रेडी करना है, या किसी ब्रांड्स के ऊपर रिसर्च करके अपना कुछ प्रेजेंटेशन रेडी करना है, उसके बारे में रिसर्च करके आपको दिखाना है, आपको बताना है, जो भी आपके सामने होगा प्रेजेंट करना है, आपको दिखाना है, आपको उसके बारे में बताना है. ओके, तो इस केस में प्रेजेंटेशन रेडी किया जाता है. तो टिप नंबर वन, जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को रेडी करते हो तो आप कभी भी ज़्यादा टेक्स्ट का यूज़ बिल्कुल भी मत करो. कोशिश करो कि वो बहुत ज़्यादा विजुअल दिखे, उसमें पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और उस पिक्चर से आपका प्रेजेंटेशन पता चलना चाहिए कि किस टॉपिक पे आप क्या बताने वाले हो. ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप कभी भी ज़्यादा टेक्स्ट बिल्कुल यूज़ मत करो, कम से कम यूज़ करो, लिमिटेड यूज़ भी बना रहे हो वो इवन होना चाहिए, सिमिट्री में होना चाहिए. ओके, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, सब कुछ इवन होना चाहिए, सिमिट्री में होना जरूरी है. कॉलेज के टाइम मैंने भी कुछ टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाया है. डिज़ाइनर में मनीष मल्होत्रा डिज़ाइनर, एंड ब्रांड में मैंने बीबा ब्रांड पे बनाया था. तब मैंने बनाया था जब मेरे क्लास का थर्ड डे था, मैंने किसी से इंटरेक्शन भी नहीं किया था और मेरे लिए वो सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था और मैं बहुत ज़्यादा शाय मिजाज की थी, बहुत डरपोक टाइप की लड़की जो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करती है, उस तरह की मैं थी, बट अभी नहीं हूँ. तो थोड़ा टफ था बट मुझे आता था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वही टिप्स के रूप में आपको मैं बता रही हूँ जिसको आपको फॉलो करना चाहिए. कि अगर आपका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने किसी थर्ड पर्सन से ये सुना था, जब भी आप ऐसी डिफ़िकल्टीज़ में फंसोगे तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, उसको आप पढ़ सकते हो. आप उसको पढ़ सकते हो, मतलब ये है कि आप उसको पढ़ना, मतलब आपको सिर्फ उसको पढ़ते रहना है और आई कांटेक्ट के साथ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना. जो भी आप बता रहे हो आप उसको हिंदी में भी बोल सकते हो. नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए. कोई भी आपके सामने है, वो ऑडियंस है या कोई भी आपका क्लाइंट है या कोई भी है, आप एक डिज़ाइनर स्टूडेंट हो तो आप ज्यूरी के सामने दे रहे हो, टीचर्स के सामने हो, आई कांटेक्ट बना के रखो. इससे इंगेजमेंट बढ़ती है कि यस, मैं जिसके साथ जिसकी प्रेजेंटेशन देख रहा हूँ उसकी, वो स्मार्ट है, उसकी उसका जो कम्युनिकेशन है आई कांटेक्ट थ्रू बहुत बढ़िया है, इससे आप इसमें स्मार्ट दिखो. मे बी अगर उसमें कंपटीशन है कुछ है तो आप विन भी कर सकते हो. सो जो नेक्स्ट टिप्स आप लोगों के लिए मेरे तरफ से है वो ये है कि अगर आप थोड़े कम्युनिकेशन में स्ट्रांग नहीं हो, या आप इंग्लिश में थोड़े से स्ट्रांग नहीं हो, या आप थोड़े शाय मिजाज के हो, थोड़े डर लगता है, अनकॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छा एक ट्रिक है. अगर आप इन सब सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपको क्या करना है, आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हो, जो भी लिखते हो, उसका आप एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लो, उसको बस पढ़ते रहो, उसको रीड करते रहो. ओके, और नेक्स्ट डे जो भी आपने बनाया है उसको आई कांटेक्ट के थ्रू आप उसको बस रीड करते जाओ. और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे, उससे अच्छा कुछ करोगे, तो एटलीस्ट आप सेफ जोन में हो. समझ रहे हो, आप सेफ जोन में रहोगे. मे बी आप और बेटर कर पाओ अपने अकॉर्डिंग. प्रैक्टिस करते करते शायद आपको आ भी जाए और आपका डर भी खत्म हो जाए. किसी भी प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट जो टिप है, ध्यान से सुनो, किसी भी प्रेजेंटेशन का सिंपल सा फंडा है कि वो कहाँ, कैसे, कब और किस
टाइम क्या हुआ, ये सब जो भी होता है पास्ट की चीज़ें, ये सब बेसिक होते हैं। ये चार चीज़ से पांच चीज़ आपको पता होना चाहिए। मे बी अगर आप किसी डिज़ाइनर पे काम कर रहे हो, जैसे कि सभ्यसाची अगर डिज़ाइनर है, वो कब उन्होंने कब डिज़ाइनिंग फील्ड में आए, उनका क्या एस्थेटिक्स है, उन्होंने ज़्यादातर किस चीज़ों पर काम करते हैं, उनका कलेक्शन किस टाइप का होता है, किन किन डिज़ाइनर्स, किन किन क्लाइंट और किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया है, किन किन कौन कौन से रनवे शोज़ किए हैं, ये सारे चीज़ बेसिक है। ये सब चीज़ आप ऑब्वियसली फाइंड आउट करोगे, राइट? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टडी कहाँ से कम्प्लीट की, ये सब चीज़ें आपको ज़ुबान पे होना चाहिए। कोई भी प्रेजेंटेशन है, आपको बेसिक चीज़ आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ भी समझ जाओगे, इतना भी आप कर दोगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप स्मार्ट दिखोगे। और साथ ही साथ ये भी लगेगा कि आपको जब बेसिक चीज़ें पता है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता ही होंगी। सबको बस ये जानना है कि आप जो भी बनाए हो, वो आप चीज़ों से कनेक्ट कर पाए। ओके, मेन यही होता है कि आप जो भी बनाए कि लोगों को समझ में आए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मोस्टली लोग इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में ही बोलो, आप उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने भी किया है। ओके, तो मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा टिप ये है कि जब भी आप कुछ प्रेजेंट करते हो, तो कोशिश करना कि आप कुछ फॉर्मल पहनो, कुछ सेमी फॉर्मल पहनो। मैंने कहा आप ऑफिस वेयर पहन लो, आप सेमी फॉर्मल पहनो। इससे क्या होता है ना कि एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि यस, आपकी पर्सनैलिटी देख कर लगता है कि यस, कुछ होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक फर्स्ट इंप्रेशन आप देते हो किसी भी, जो भी आपके सामने है, सबको, जिसको आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाले हो। तो कोशिश करो कि खुद की स्टाइलिंग करो, ड्रेसअप करो, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं दिखना है, नॉर्मल सा, सिंपल, क्लासी एंड सेमी फॉर्मल पहन सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। होप शो कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में पूछ लेना, और जो मैंने सवाल किया है उसका भी रिप्लाई करना, मींस कमेंट करना ज़रूर। समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।